हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद यस स्वीट सर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बंगाल राज्य हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो यानी कि आज हमें लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करना है और नवीन राज्यों की स्थापना के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिख राज्य अथवा पंजाब राज्य। तो आज का टॉपिक है हमारा सिख राज्य। तो आज बच्चा इस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, ठीक है, सिख राज्य को। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले है ना, पहले हम इस टॉपिक को पूरा एक स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं कि आखिर हमें सिख राज्य में क्या पढ़ना है और कैसे किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर सिख राज्य की बात करें तो सिख राज्य में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चा सिख गुरु। और सिख गुरु में आप जानते हो कुल कितने गुरु हुए थे, 10 गुरु हुए थे, जिनमें से प्रथम और अंतिम, प्रथम जो थे आपके गुरु नानक जी थे, गुरु नानक जी, और अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा सिख गुरुओं का रहेगा, जिसमें हम कुल मिलाकर के 10 सिख गुरुओं को पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा, क्योंकि जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जब इनका देहांत हुआ था 1708 में, उसके पश्चात सिख राज्य का या सिखों का जो नेतृत्व संभाला था बच्चा, वो संभाला था बंदा बहादुर। इनको पढ़ने के पश्चात, दो टॉपिक के पश्चात हमारा तीसरा टॉपिक आएगा जत्था, फिर दल खालसा और फिर आपका मिसल, ठीक है। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात इनको मार दिया गया था। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात हम पढ़ेंगे जत्था। जत्था एक किसानों के छोटे छोटे संगठन थे। जब इनके पश्चात पंजाब राज्य बिखर गया था पूरी तरह से, तो छोटे छोटे जत्थों की स्थापना हुई थी और कृषकों के छोटे छोटे संगठन थे। फिर जत्थों को मिला करके एक बड़ा संगठन दल खालसा बना था। उसके पश्चात दल खालसा फिर से 12 मिसल्स में क्या हुआ था, टूट गया था। 12 मिसल्स में टूट गया था और जिसमें से एक मिसल थी आपकी सुकर चकिया मिसल। और इसी सुकरचा के मिसल के एक शासक थे जिनका नाम था आपका महासिंह। और बच्चा इन्हीं महासिंह के एक पुत्र थे, उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। तो यानी कि तीन टॉपिक हमने यहाँ तक समझे फिलहाल अभी। सिख गुरु, पूरे 10 सिख गुरु को पढ़ेंगे, उसके बाद बंदा बहादुर को पढ़ेंगे, उसके बाद जत्था, फिर दल खालसा, फिर मिसल पढ़ेंगे। कितनी मिसल थी टोटल, कुल मिला के 12 मिसल थी। 12 मिसल में से एक प्रमुख मिसल थी कौन सी, सुकर चकिया मिसल थी। और सुकर चकिया मिसल के जो प्रमुख थे वो कौन थे, महासिंह थे। महासिंह के बेटा कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह। और इन सबके पश्चात तब महाराजा रणजीत सिंह ने इन सबको दोबारा से मिसल वगैरह को सबको एक बार फिर संगठित किया और पंजाब में एक राज्य की स्थापना की थी। तो यानी कि चौथा टॉपिक हमारा होगा महाराजा रणजीत सिंह। इसको रफ कर रहा हूँ, तीन टॉपिक हमने डिस्कस करे, चौथा टॉपिक बच्चा हमारा रहेगा महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। तो चौथा टॉपिक है हमारा महाराजा रणजीत सिंह। फोर्थ टॉपिक है हमारा महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। इस टॉपिक को हम समानता तीन भागों में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा हमारा इनका जीवन परिचय। सबसे पहले हम महाराजा रणजीत सिंह का जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे, ठीक है। दूसरा रहेगा महाराजा रणजीत सिंह के विषय में ही जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा इनके अंतर्गत, वो रहेगा इनके संबंध या राजनीतिक संबंध। और राजनीतिक संबंध जो हम पढ़ेंगे तीन तरह से पढ़ेंगे। पहला डोगरी एवं नेपाली संबंध,
नेक्स्ट दूसरा पढ़ेंगे हम अफगानी संबंध। और तीसरा पढ़ेंगे अंग्रेजों से संबंध। ठीक है, तो इनका परिचय पढ़ने के बाद सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा इसमें राजनीतिक संबंध, जिसमें पहला होगा डोगरी एवं नेपाली संबंध, दूसरा अफगानी संबंध, तीसरा अंग्रेजों से संबंध। अर्थात यहाँ पर डोगरी और नेपाल से क्या संबंध रहे थे, क्या नीतियाँ अपनाई थी महाराजा रणजीत सिंह ने इन सब के प्रति, अथवा इनकी नीति इनके प्रति क्या थी, वो सब जानेंगे। अफगान से क्या संबंध थे इनके महाराजा रणजीत सिंह के, उन सब तथ्यों को यहाँ पर जानेंगे। और डीप में पूरी तरह से विस्तार रूप से पढ़ेंगे अंग्रेजों से इनके संबंध। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से अंग्रेजों वाले टॉपिक से आते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पार्ट रहेगा इसी में इनका, वो रहेगा बच्चा हमारा प्रशासन। प्रशासन मैं इस ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ प्रशासन को समझाने के लिए। ठीक है, इसको रफ करते हैं। तो प्रशासन, प्रशासन में समानता पांच भाग रहेंगे हमें इसमें पढ़ने के लिए महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन को। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस वगैरह में। तो जो पहला रहेगा हमारा वो रहेगा केंद्रीय प्रशासन, हम इनके केंद्रीय प्रशासन को पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे बच्चा प्रांतीय प्रशासन, हम इनके प्रांतीय प्रशासन को पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा रहेगा हमारा न्याय प्रशासन, इनके न्याय व्यवस्था को समझेंगे। चौथा पढ़ेंगे सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन। और बच्चा पांचवा टॉपिक जो रहेगा हमारा, इसमें रहेगा भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। इसमें इनकी भू राजस्व व्यवस्था को पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के हमने महाराजा रणजीत सिंह के टॉपिक को तीन भागों में डिवाइड करा। पहला उनका जीवन परिचय रहेगा, देन सेकंड उनके संबंध रहेंगे जो डोगरी नेपाली के साथ, दूसरा अफगानों के साथ, तीसरा अंग्रेजों के साथ, और देन तीसरा टॉपिक रहेगा महाराजा रणजीत सिंह में प्रशासन। प्रशासन को फिर से पांच भागों में डिवाइड करा है, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था। और बच्चा इन्हीं चार पाँचों टॉपिक से है ना आपका पीसीएस हो, चाहे आपका आईएएस हो, चाहे आप नेट वगैरह दे रहे हो, नेट जेआरएफ आप देते हो, ठीक है, या आप टीजीटी अथवा पीजीटी हिस्ट्री से देते हो, तो उन सब में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो इस प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह वाला चौथा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देन हम सिख राज्य में पढ़ेंगे पाँचवा टॉपिक। तो पाँचवा टॉपिक हमारा क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं, पंजाब राज्य के अंतर्गत पांचवा टॉपिक हमारे, सिख राज्य के अंतर्गत पांचवा टॉपिक हमारा कौन सा होगा। तो बच्चा अगर पांचवें टॉपिक की बात करें तो वो होगा हमारा रणजीत सिंह के पश्चात का पंजाब, या रणजीत सिंह के बाद का पंजाब। ठीक है, इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो इनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे, यहाँ पर इनके उत्तराधिकारी जो हुए थे उनका कई बार पीसीएस वगैरह में क्रम लगवाया गया है। ठीक है, इनके पश्चात जो शासक हुए थे उनको क्रम से लगवा लेता है। ठीक है, जिसमें सबसे अंतिम कौन थे आपके, दलीप सिंह थे, वो डिस्कस करेंगे बाद में। दूसरा, दो युद्ध हुए थे बच्चा, और दो युद्ध को पढ़ेंगे। पहला कौन सा था, तो प्रथम आंगल सिख युद्ध पढ़ेंगे, और फिर दूसरा पढ़ेंगे द्वितीय आंगल सिख युद्ध पढ़ेंगे। तो इसके पश्चात हमें दो युद्ध पढ़ने होंगे, उत्तराधिकारी डिस्कस करेंगे पूरी तरह से, उसके पश्चात युद्ध पढ़ेंगे, दो युद्ध पढ़ने हैं, प्रथम आंगल सिख युद्ध और द्वितीय आंगल सिख युद्ध। क्लियर, द्वितीय आंगल सिख युद्ध जो हुआ था आपका वो महाराजा दलीप सिंह के समय हुआ था, और तभी 1849 में, इस समय आप जानते हो भारत में कौन था गवर्नर जनरल, डलहौजी ने पंजाब का 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, और पंजाब राज्य का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्लियर, तो यहाँ तक हम चीज़ें कवर करेंगे, डलहौजी के समय तक हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, सिख गुरुओं से शुरू करेंगे। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पंजाब राज्य का स्ट्रक्चर है, इसको क्रम बाय क्रम हम फॉलो करेंगे, यहाँ तक हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद इसी प्रकार से मराठा राज्य को पढ़ेंगे, मराठा राज्य का वाकायदा स्ट्रक्चर बना करके बढ़िया सा एक, और उसको टॉपिक को फॉलो करते हुए मराठा राज्य को भी समाप्त करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक अपना,
सिख राज्य, और सबसे पहला टॉपिक था हमारा उसमें सिख गुरु। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिख गुरु को। तो ऐसा करते हैं, पहले सबसे पहले मैं आपको सिख जो गुरु थे उनकी एक लिस्ट बनवा दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सिख गुरु का जो सीक्वेंस है, क्रम है, उस क्रम को बहुत सारे एग्जाम में आपसे एक क्रम लगवाया गया है, या उनका वो किस समय से किस समय तक सिख गुरु रहे थे, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद ही हम चीज़ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है, पहला टॉपिक है, हेडिंग डाल दो आप, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये हो गया सिख गुरु। कुल कितने थे बच्चा? 10 थे। ठीक है, तो स्टार्ट करें यहाँ से। सबसे पहले नंबर पर कौन थे, तो आप जानते हैं अच्छे से, पहले नंबर गुरु नानक जी, गुरु नानक जी थे। इनके पश्चात गुरु अंगद जी, देन गुरु अमरदास जी। ठीक है, देन चौथे नंबर पर जो आए थे आपके, गुरु रामदास जी। देन पांचवें नंबर जो आए थे बच्चे, वो आए थे गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी। क्लियर? तो पांच मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल, पांच यहाँ ले लेते हैं। इनका कार्यकाल भी लिखना है ना, ये बात ये है। तो ठीक है, चलो यहाँ लेते हैं, जो भी हो तो दिख रहा होगा आपको। छः नंबर पर आए थे आपके गुरु, ठीक है, हर गोविंद, गुरु हर गोविंद जी। नेक्स्ट सात नंबर पर जो आए थे आपके, क्रम में जो रहे हैं, गुरु हर राय, गुरु हर राय जी। देन आठ नंबर पर यहाँ ले लेते हैं, आठ नंबर पर आपके गुरु किशन जी। नेक्स्ट नौ नंबर पर गुरु तेग बहादुर जी, और दस नंबर पे थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। क्लियर? इस प्रकार से बच्चा कुल मिला के हमें 10 गुरुओं को पढ़ना है। सिख गुरु के अंतर्गत 10 ही गुरु हुए थे, प्रथम गुरु नानक जी थे, अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब मैं इनका कार्यकाल भी लेता हूँ, क्योंकि इनका कार्यकाल भी महत्वपूर्ण है। तो गुरु नानक जी का जो कार्यकाल था बच्चा, इनका जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था, और 1539 में इनका देहांत हुआ था। क्लियर? गुरु अंगद जी जो थे आपके, वो 1552 थे। अमरदास जी जो थे आपके 1552 से 1574 थे, और आपके रामदास जी 1574 से बच्चा 1581 थे, और गुरु अर्जुन देव जी जो थे 1581 से 1606 थे। क्लियर? तो शुरू के पांच गुरु का क्रम ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, गुरु हरगोविंद जी को देखते हैं। तो गुरु हरगोविंद जी जो थे आपके 1606 से 1644 थे, और हर राय जी जो थे आपके 1644 से 1661 थे। गुरु किशन जी जो थे आपके 1661 से 1661 टू 1664 64 तक थे। गुरु तेग बहादुर 1664 से बच्चा 1675 तक थे, और गुरु गोविंद सिंह जो थे आपके 1675 टू 7708। क्लियर? इस प्रकार से इनका क्रम था। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये 10 सिख गुरु, उनका किस समय तक वो गुरु रहे थे, वो सब ये आपका क्रम हो गया। इनको याद करना भी आसान है, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा सा है ना, आपको ट्रिक तो नहीं है मेरे पास कुछ, लेकिन एक तरीका है। जैसे ये तीन शुरू के गुरु जी हैं, गुरु नानक जी, अंगद जी और अमरदास जी हैं, तो आप इनको एक ट्रिक से याद कर सकते हो क्रम से, क्योंकि एग्जाम में इनके क्रम लगवाया जाता है। ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। नाना अंगद अमर हैं, आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या? शब्द बस ऐसे, नाना अंगद अमर हैं। ठीक है, तो नाना से हो जाएगा आपका नानक जी, अंगद से हो जाएगा अंगद जी, और अमर से हो जाएगा अमरदास जी। क्लियर?
तीन यहाँ पर आपको याद हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ रामदास जी की, तो देखो राम शब्द आया यहाँ पर, राम है ना, और राम जो हिंदू धर्म में मानते हैं राम भगवान थे, राम भगवान कितने भाई थे? चार। तो चार भाइयों में से एक कौन थे? राम। तो चार, ये चार भाई चौथे नंबर पर कौन आ गए? राम आ गए। समझ गए मेरी बात को? चार भाई राम थे तो चौथे नंबर पर कौन आए? राम। उसी प्रकार से अर्जुन, अर्जुन अर्जुन देव जी हैं। तो अर्जुन जो आप जानते हो पांच पांडव थे, और पांच पांडव में कौन था? एक अंग्रेज आपका अर्जुन था। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो अर्जुन आए हैं, तो पांच नंबर पर कौन हो गए आपके? अर्जुन देव जी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? पांच पांडव, पांच पांडव में एक अर्जुन, तो यहाँ पर जब पांच पांडव, पांचवें नंबर पर कौन आ गए? अर्जुन देव जी आ गए। क्लियर हो गया? नो डाउट। ठीक है, अब आई बात देखो छठे सातवां और जो आपका आठवां नंबर है, सिक्स सेवन और आठ, ये गुरु आठ नंबर पर गुरु हर किशन जी हैं, गुरु हर किशन जी। क्लियर? तो देखो सिक्स नंबर, सेवन नंबर और एट नंबर पर, इन तीनों ही सिक्स सेवन एट पर एक शब्द आएगा आपका हर, तीनों में कॉमन शब्द है हर, तो आप इस हर को याद रखेंगे। उसके बाद एक शब्द बता रहा हूँ आपको, गौरा, गौरा किशन, एक शब्द का नाम को गौरा किशन। तो ये हो गया हर, सब में लगा तीन में, तो हर गो से गोविंद, हर गोविंद। ठीक है, हर कॉमन है तीनों में, सिक्स नंबर, सेवन नंबर, एट नंबर, तीनों में हर कॉमन है। ठीक, कॉमन हो गया। मैंने एक शब्द दिया आपको गौरा किशन, तो गौरा से यहाँ पर गो है, तो यहाँ पर हर गो, तो हर गो से हो गया हर गोविंद जी। ठीक है, फिर है रा, हर राय, हर राय जी। क्लियर? फिर है किशन, तो इसका लगा तो हर, हर किशन जी। क्लियर? तो ये हो गया हमारे आठ नंबर तक के। क्लियर? दस नंबर तो आपको सभी को पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी थे, और नौ नंबर आपको एक बजता है तो वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर जी। क्लियर? तो ये दस क्रम में आपको याद करने हैं। अगर रही बात आप वर्ष की कि वर्ष कैसे याद करने, तो बच्चा ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर भी कोई तरीका हो सकता है जो मैं आपको बता सकता हूँ इनको याद करने का, ठीक है, फिर भी एक कोशिश करते हैं, अगर हो जाए आपको तो ठीक है। आप पाँचवें नंबर तक को देखोगे तो यहाँ से लेकर के 1469 से लेकर के यहाँ तक सूर्य के पांच गुरु वो हैं जो राजगद्दी पर, गुरु गद्दी पर, जो राजगद्दी नहीं गुरु गद्दी पर जो बैठे थे वो 1600 ईस्वी से पहले ही बैठे थे। मेरी बात समझ गए? मतलब 1700 ईस्वी लगने से पहले ही, यानी कि 16वीं शताब्दी में गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप? 1581 यानी 1500 आपके अर्जुन देव जी जो थे वो 1581 में राज गुरु गद्दी पर बैठ गए थे। उसके पश्चात जो गुरु गोविंद सिंह जो हैं, हर गोविंद सिंह जी से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक? गुरु गोविंद सिंह तक। यहाँ तक आपका ये 1600 के पश्चात कहानी शुरू होती है और 1700 के प्रारंभ में ख़त्म हो जाती है। तो आप शुरू के पांच को एक वर्ग बना लो, लास्ट के पांच का एक वर्ग बना लो, आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से आपके गुरु नानक जी से। सबसे पहले हमें कहाँ से पढ़ना है? गुरु नानक जी से पढ़ना है। क्लियर? इस प्रकार से इन सभी गुरुओं को पढ़ के यहाँ तक लास्ट में, तब हम लौटेंगे बंदा बहादुर पर, फिर हम स्टार्ट करेंगे जत्था, फिर दल खालसा, फिर आपका मिसल्स, फिर रणजीत सिंह, और उसके पश्चात लास्ट में आपका उत्तराधिकारी वगैरह, फिर आंगल पंजाब युद्ध जो हुए थे वो, या सिख युद्ध हुए थे, उन सबको ख़त्म करके पंजाब राज्य टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें। चलो तो बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिख गुरु में, और सबसे पहले एक बात करते हैं गुरु नानक जी की। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर आप वास्तव में समझ पा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कुछ सुधार की रिक्वायरमेंट है तो वो बता दीजिएगा, जो भी लग रहा है आपको, ठीक है। अदरवाइज कमेंट जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक मूवी आप क्या करो, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। क्लियर? ठीक है, चलो। तो अब हम सिख गुरु में सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं गुरु नानक जी। इनका जो टाइम पीरियड था 1469 से 1539 तक। ठीक है बच्चा, तो देखो सिख राज्य या सिखों का जो इतिहास शुरू होता है वो वास्तव में आपके सिख गुरुओं से ही स्टार्ट होता है। मेरी बात समझ गए? अर्थात सिख गुरु के साथ ही, जहाँ से सिख गुरु सिख पंथ या आपके नानक पंथ की शुरुआत करते हैं, वहीं से आपके सिख राज्य की भी शुरुआत होती है। ठीक है, तो आधार है सिख गुरु सिख राज्य के। ठीक है, इनके बिना हम राज्य को कंप्लीट टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। क्लियर, चलो तो बात करते हैं। सबसे पहली जो बात आती है गुरु नानक जी के विषय में, तो वो बात ये आती है बच्चों
इनके जन्म के विषय में बात लेकर के आती कि जन्म कहाँ हुआ था, क्या हुआ था। ठीक है, तो अगर इनके जन्म की बात करें तो आप जानते हैं जन्म स्थान क्या था, तो जन्म स्थान का तलवंडी, तलवंडी, तलवंडी। तो तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर है, तलवंडी के बारे में वर्तमान में ये कहाँ पर है, पंजाब में है। ये पंजाब कहाँ पर है, पाकिस्तान, भारत में नहीं है। तलवंडी कहाँ पर है, पंजाब पाकिस्तान में है। जन्म कब हुआ था इनका तलवंडी में, तो आपका हुआ था 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ था। ठीक है, तलवंडी में हुआ था। तलवंडी जो जगह है वो कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। क्लियर, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कौन सी नदी के तट पर हुआ था, तो रावी नदी के तट पर हुआ था। और तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर, बच्चा पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में। क्लियर, चलो दूसरी बात समझे। इनके जन्म से बात चल रही है, तो इनके पिताजी या कुल की बात करते हैं, कुल क्या था इनका, तो बच्चा कुल था खत्री। ये प्रश्न आ चुका है, कुल क्या था, खत्री। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था कालू जी मेहता, या इनका नाम मिल जाता है कल्याण चंद, ये नाम भी मिलता है। क्लियर, माताजी कौन थी, तो माताजी थी श्रीमती तृप्ता, तृप्ता, श्रीमती तृप्ता देवी। अगर बात करें पत्नी की, इनकी पत्नी कौन थी बच्चा, तो पत्नी थी सुलक्षणी, लक्षण होता है सुलक्षणी देवी, इनकी माता का नाम था सुलक्षणी देवी। क्लियर, तो जन्म तलवंडी, कुल कौन सा खत्री था, पिता कौन थे कालू जी मेहता या कल्याणचंद थे, माता का नाम श्रीमती तृप्ता देवी थी, पत्नी कौन थी सुलक्षणी देवी थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, डेट्स गुड। ठीक है, आगे बात करें, चलो अब इसके पश्चात नानक जी के विषय में और बातें बताता हूँ आपको। क्लियर, चलो मृत्यु की बात नहीं था, देहांत कब हुआ था वो यहीं पर बता दे रहा हूँ, देहांत मृत्यु जन्म के साथ देहांत भी हो जाएगा। देहांत जो हुआ था इनका 1539 में हुआ था, और 1539 में जो इनका देहांत हुआ था वो हुआ था करतारपुर, करतारपुर, करतारपुर कहाँ पर है, करतारपुर का बच्चा वर्तमान में पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में। क्लियर, तो देहांत हुआ था 1539 करतारपुर पाकिस्तान में। करतारपुर के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं मैं आपको, एक मिनट थोड़ा पानी ले लें हैं, तो बाकी मैं आपको बताता हूं करतारपुर के बारे में ऐसी बातें। करतारपुर जो है आपका एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है करतारपुर के लिए, भारत के पंजाब राज्य से और पाकिस्तान के मध्य है ना, तो एक आपका कॉरिडोर बना, लगभग 4 से 5 किलोमीटर के मध्य दूरी है उसकी। ठीक है, कॉरिडोर की, तो भारतीय जो श्रद्धालु हैं जिनकी आस्था सिख धर्म में है या अन्य भी, सभी यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से पंजाब पाकिस्तान के प्रांत में वहाँ पर जाते हैं आराम से और दर्शन करके आते हैं। गुरुद्वारा है यहाँ पर एक बहुत बड़ा, वहाँ पर दर्शन करके आते हैं। अभी हाल फिलहाल में इसको आई थिंक दिसंबर वगैरह में या दिसंबर में नवंबर में इसको ओपन भी किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको उद्घाटन भी करा गया था वहाँ पर जाकर के, दूसरे इमरान खान ने भी करा था, तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो ये होगी इनके बारे में जन्म और उनके बेसिक जानकारी। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ें। इन्होंने जो एक पंथ चलाया था, नानक पंथ चलाया था, नानक पंथ, और जो इनके अनुयायी थे नानक पंथ के वो कहलाए बच्चे सिख कहलाए, वो क्या कहलाए आपके, सिख कहलाए थे। ठीक है, दूसरी बात इनके विषय में और बताऊं मैं आपको, तो आप 5वें नंबर के जो गुरु अर्जुन देव जी हैं उन्होंने क्या करा था, गुरु नानक जी की जो शिक्षा थी उसको संकलित किया था, क्या करा, उनके कहना चाहिए उनके उपदेशों को, उपदेशों को, या कहा जाए तो आपका विचारों को, ये प्रश्न पूछा गया एक बार है ना, उपदेश विचारों को संकलित किया। तो आपसे पूछे बच्चा कि गुरु नानक जी के उपदेश अथवा विचारों को किसने संकलित किया था, तो आपका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव जी ने, गुरु अर्जुन देव जी द्वारा संकलित किया गया था। जो संकलित करा था उन्होंने कहाँ करा था, तो
तो पवित्र ग्रंथ है इनका, है ना, आदि ग्रंथ, जिस प्रकार से हर किसी का आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ में जपजी नामक, जपजी के नाम से अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में गुरु नानक जी के विचारों को संकलित किया था। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आएगी? ठीक है, आगे बढ़ें तो देखो इनके विषय में और दो चार बात बताता हूँ मैं आपको। गुरु नानक जी के विषय में, गुरु नानक जी के विषय में एक प्रश्न और पूछता है बच्चा आपसे कि इनके समकालीन कौन कौन थे, है ना। तो इनके समकालीन तीन व्यक्ति थे आपके। क्लियर, तो पूछे आपसे इनके समकालीन कौन कौन थे, तो आपका तीन आंसर हो जाएंगे। एक तो आपका इब्राहिम लोदी था, दूसरा बच्चा आपके चैतन्य महाप्रभु थे, और तीसरे जो थे बच्चा वो कबीरदास थे। और 39 में इनका देहांत हुआ है, तो उस समय भारत में कौन आ गया था, क्या कहते हैं आपका बाबर, तो कौन था बच्चा, बाबर भी इनके समकालीन था। ठीक है, क्योंकि गुरु नानक जी का जो देहांत हुआ था उस समय भारत में जो शासक था तो वो कौन था आपका, बाबर ही था। तो आपसे पूछ ले बाई चांस कि इनके देहांत के समय भारत में कौन शासक था, तो आपका आंसर क्या होगा, बाबर होगा। क्लियर, क्योंकि बाबर के समय इनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, नो एनी डाउट। ठीक है, चलो अब आगे मेरी बात समझना, गर्मी ज़्यादा लग रही है ना। चलो ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, तो एक शब्द है उदासी, इनसे संबंधित है उदासी। उदासी पंजाबी भाषा का शब्द है। हुआ क्या था, गुरु नानक जी ने आपके असम, भारत का राज्य या असम का हो आप, असम से लेकर के बगदाद तक यात्रा की थी, बगदाद तक यात्रा की थी, और ऊपर से आपके तिब्बत से, कहाँ से बच्चा, तिब्बत से श्रीलंका तक की यात्रा की थी। मतलब इन्होंने असम से बगदाद की यात्रा की थी और तिब्बत से श्रीलंका की यात्रा की थी, तो वो जो यात्रा कहलाई, क्या कहलाई, उदासी कहलाई थी। क्लियर, नदी है कालीवेन नदी, एक नदी का नाम है कालीवेन नदी। इस कालीवेन नदी के तट पर ही गुरु नानक जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर, यहाँ तक बात समझ भाई, मैं आगे बात करूँ। ठीक है, इनके विषय में और दो चार बातें मैं आपको बताता हूँ गुरु नानक जी के विषय में। इनकी कुछ शिक्षाओं के विषय में बात कर लेते हैं। एक बार प्रश्न, अब ये तो नहीं पता IAS का प्रश्न था या PCS का था, लेकिन एक प्रश्न देखा था मैंने, आया हुआ प्रश्न है, उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी किन मतों पर या किन बिंदुओं पर, है ना, आपके गुरु नानक जी के और कबीरदास के मत समान हैं। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इनकी शिक्षाओं की बात कर रहा हूँ मैं, या इनके उपदेशों की बात कर रहा हूँ। गुरु नानक जी के उपदेश अथवा शिक्षाएँ क्या थी इनकी। ठीक है, तो पहला बच्चा ये था, निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। निर्गुण भक्ति में विश्वास, गुरु नानक जी थे, निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। दूसरा, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास था, मानते थे व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है, और कर्मवाद में भी इनको विश्वास था। तीसरा, ये जो थे आडंबर एवं कर्मकांड के विरुद्ध थे। आडंबर कर्मकांड समझते हैं, कर्मकांड यज्ञ वगैरह वो सब, आडंबर मतलब बहुत ज्यादा पूजा पाठ, ये जो दिखावा होता है, उन सब के विरोधी थे। ठीक है, और चौथा बच्चा ये थे कि ये जो महिलाओं के, है ना, महिलाओं को महत्व दिया था इन्होंने। इनका मानना था कि महिलाओं का परिवार के निर्माण में और कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में भी उनका योगदान होता है, तो महिलाओं को इन्होंने एक पॉजिटिव, मतलब एक सम्मानजनक, है ना, स्थिति इन्होंने स्वीकार की थी महिलाओं की। क्लियर, तो ये था, निर्गुण था। और दूसरा पांचवें का ये था कि ये हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक कौन थे, गुरु नानक जी थे। ठीक है, तो ये सब गुरु नानक जी के विषय में चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। क्लियर, और कुछ गुरु नानक जी के विषय में है तो ऐसा देख लेते हैं कुछ, है ना। आई थिंक आपका लगभग सारा कवर हो चुका है गुरु नानक जी के विषय में, ऐसा कुछ बचा नहीं इनके विषय में। ठीक है, जो आपके एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण हो, वो सारी चीज़ें हमने कवर की।
तो आगे बढ़े हम, देहांत हो गया था इनका करतारपुर पंजाब में, वहाँ तक हमने चीज़ें कवर कर दी थी, ये इनके समकालीन थे, ये भी हमारा कवर हो गया, और गुरु नानक जी की विषय में शिक्षाएँ हमने कवर कर ली, ठीक है। इनका अंतिम जीवन जो था, अपना अंतिम जीवन जो व्यतीत किया था, लगभग हमारे 15 से 16 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के अंतिम जो व्यतीत किए थे बच्चा, वो करतारपुर में व्यतीत किए थे। वर्तमान में वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, उसी गुरुद्वारा को कॉरिडोर, जो कॉरिडोर है आपका गुरुद्वारा करतारपुर कॉरिडोर के द्वारा उसको जोड़ा गया है, 4 दशमलव कुछ किलोमीटर, 5 किलोमीटर से कम लंबाई है उसकी कॉरिडोर की। तो भारतीय जो भी श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, क्लियर। तो पहले बड़ी दिक्कत थी, पहले दर्शन नहीं हो पाते थे, है ना, करतारपुर साहिब के। तो इसलिए क्या करा गया, अब एक कॉरिडोर बना दिया गया है। वहाँ पर पहले एक टेलीस्कोप लगा हुआ था बॉर्डर पर भारत के, तो वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है वहाँ पर, तो वो उसको कॉरिडोर के माध्यम, टेलीस्कोप माध्यम से दर्शन कर पाते थे, लेकिन अब बाकायदा जा सकते हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हैं, क्लियर। आप भी वहाँ घूमना चाहो तो जा सकते हैं, और श्रद्धा भाव जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर। हम आगे बढ़ें, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपका टॉपिक नेक्स्ट हमारा गुरु अंगद जी, अब पढ़ेंगे गुरु अंगद जी। दूसरे गुरु थे, ये आप जानते ही हैं, दूसरे गुरु थे गुरु अंगद जी। तो गुरु अंगद जी कार्यकाल बच्चा आपको पता ही है इनका, 1539 से 1552। इनके विषय में पहला पॉइंट है ना, इनका जो प्रारंभिक नाम था बच्चा वो था लाहन, लाहन या लाहान मिल जाता है, ठीक है। इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था गुरु नानक जी ने, ठीक है। इनका प्रारंभिक नाम लाहन अथवा लाहान था, इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था गुरु नानक जी ने, क्लियर। उनके शिष्य थे ये, गुरु नानक जी के शिष्य थे अंगद जी, क्लियर। दूसरा बात, इनका जो बच्चा कुल था, इनका कुल क्या था, इनका कुल भी खत्री था, कुल भी क्या था, खत्री था। दूसरा, एक प्रथा थी लंगर, लंगर प्रथा। तो लंगर प्रथा के वजह से मैं बताऊँ, लंगर प्रथा की जो शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी गुरु नानक जी ने, लेकिन लंगर प्रथा को स्थायी रूप जो प्रदान किया था, मतलब उसको परमानेंट जो बनाया था, वो इन्होंने ही बनाया था गुरु अंगद जी ने, क्लियर। तो आपसे कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि लंगर प्रथा को किसने स्थायी रूप दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पर क्या, गुरु अंगद जी। अगर आपसे पूछे कि लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की, और उसमें ऑप्शन में आपके गुरु नानक जी भी ऑप्शन हो, विकल्प में हो, और आपके अंगद जी भी विकल्प में हो, तब आप शुरुआत पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी। लेकिन अगर गुरु नानक जी विकल्प में नहीं है और अंगद जी विकल्प में, इसके अलावा और गुरु विकल्प में है 3, तब आपसे पूछे कि शुरुआत किसने की थी लंगर व्यवस्था की, तब आपका आंसर गुरु अंगद जी ही होगा, क्लियर, ठीक है। आगे बात करें लंगर व्यवस्था, इन्होंने लिपि की शुरुआत की थी गुरुमुखी, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि। ये बच्चा बहुत पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, तो बच्चा गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत की थी गुरु अंगद ने ही की थी, क्लियर। नेक्स्ट, इनकी विषय में एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं गुरु अंगद जी के विषय में, इन्होंने एक, इनकी जो गद्दी थी, गुरु गद्दी थी इनकी, गुरु गद्दी, गुरु गद्दी कहाँ थी इनकी, तो बच्चा गुरु गद्दी इनकी खादुर नामक स्थान पर इनकी गुरु गद्दी थी, क्लियर। तो ये सब बातें हो गई हमारी गुरु अंगद जी के विषय में, और ये क्या थे, शिष्य थे किसके, गुरु नानक जी के बच्चा शिष्य भी थे, कौन, गुरु अंगद जी, क्लियर। तो ये हो गई बात गुरु अंगद जी के विषय में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आज रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, है ना, और अगर वास्तव में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेट इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, तीसरे गुरु को हम पढ़ेंगे, वो कौन थे, अमरदास जी, क्लियर। चलो धन्यवाद।